कि आगामी विधानसभा चुनाव में बरघाट विकास मोर्चा का प्रत्याशी खड़ा किया। हमारा बरघाट विकास मोर्चा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और जो कुछ भी आज हुआ तो विपरीत ध्रुव जो मिलकर हमको हराने की कोशिश किए उससे यह स्पष्ट साबित होता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। उस दिन जब रंजीत भाई पे मामला बना था रात में 12 बजे मैं और विनोद भाई दोनों उनके साथ थे और उस समय रंजीत भाई ने सिर्फ एक बात हमसे बोला था कि भैया आप सिर्फ चुनाव देखो, मेरे बारे में बाद में सोचना। ईश्वर की कृपा से हमने और हमारी टीम ने हमारे रंजीत को दिए गए वचन को निभाया और पूरी तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को निपटाने की कोशिश की। लेकिन सबसे सुखद यह रहा कि आज का दिन जो है वो बरघाट के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। कारण पूरे हिंदुस्तान में किसी ने हारे हुए प्रत्याशियों की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी। अब आता हूं मैं, मेरे जो पार्षद हैं जो जीत के आए थे मैं उनको कोटिशः नमन करता हूं। उन्होंने बरघाट के करोड़पति लोगों के मुंह में जूता मारा है। बहुत और उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे बरघाट विकास मोर्चा के साथ इसी तरह जुड़े रहे, आने वाला भविष्य हमारा है। क्योंकि जैसे ही भाई रंजीत जो बरघाट विकास मोर्चा के संयोजक हैं वो बरघाट आएंगे, मैं उनसे एक निवेदन करने वाला हूँ। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स ने एंट्री लिया जो बीजेपी में एक बहुत बड़ा कद रखता है। उसमें 50 प्रकार के शक किए गए लेकिन उसने आखिरी तक अपना वादा निभाया। मैं ढाल सिंह बिसेन को कोटि से आभार। ढाल सिंह भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ढाल सिंह भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके आगे एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक पार्षद और हैं जिन्होंने यहाँ के करोड़पति के मुंह में तमाचा मारा है। और बीच में जब भैया की पोस्ट एक चली थी छोटा बबलू और बड़ा बबलू वाले, तो उसमें बड़ी बड़ी शर्तें 3 नंबर पे लगी थी जी, लगी थी। तो 3 नंबर के सारे मतदाताओं को और वहां की जो प्रत्याशी हैं अपनी, उनको मैं कोटिशः नमन करता हूं। बहुत बढ़िया। 2 नंबर में भी ये बात चली थी कि वहां जादू टोना हो रहा है वगैरह 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 वगैरह। बाबा भाई आप बधाई के पात्र हैं कि आपने भी उन लोगों के मुंह में तमाचा मारा। मेरा एक और निवेदन है, आगामी भविष्य में जब भी हम किसी तरीके से कोई चुनाव लड़े तो जिस तरीके से हम लोगों ने आज ये पूरे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चुनाव लड़ा एक एक घर जाके, उसी तरीके से पूरी टीम हमारे साथ होगी। और आगामी भविष्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हमें प्रत्याशी अगर खड़ा करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़े, जिससे हम प्रयास करें कि हमारा प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुंह में तमाचा मारकर। अब मैं विनोद भाई से चाहूंगा कि वो दो सर पूछ लेना मोबाइल आया ना, वो तो रखा ऊपर ही के जेब में।
अरे मोबाइल 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 अलाउ है मोबाइल अलाउ सर ले आओ ले हाँ ले आओ नहीं है चलो ठीक हाँ चलो ठीक है दो तीन चार पाँच छः सात देख रहा है कोई भी एक्स्ट्रा है फैल जाना चलिए ठीक है भाई हो गया बेस्ट ऑफ लक आप लगे एवरीबॉडी चलो भाई चलिए आप लोग बैठिए चलिए आप लोग बैठ जाइए इधर से जाते हैं तहसील के बाजू में वहाँ से क्या रहे नहीं एंट्री यही है बाकी और पार्सल आ गए सर क्या अभी और बाकी है गार्डन बंद है अपन बिकने वाले लेंगे अपन बिकने वाले लेंगे हम सब जाते भैया बाबा
भी जीत गए, हार के भी जीत गए। अरे खुद रहो, हंस के बात करो, हंस के बात करो, अपन जीते हारे नहीं अपन, अपन जीते हुए बिल्कुल हारे नहीं है।
है सर किसी ठीक निकलो मैं डीजे के साथ आ रहा हूँ।
बिकाओ में नायक, बैरूपिया में नायक। विधानसभा चुनाव के किस मुंह से वोट मांगने आएंगे ये लोग? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्या कहते हैं? और जी हार के भी हम लोग जीत गए।
ध्यान देना बीच से शूटिंग।
करो, जय 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 जय
Oh,
यही चाह रहे अपन ने और अपन ने यही कमाए। अरे वो भी अभी 4 दिन के अंदर आ जाए, यही तो प्यार है आपस में। अपन ने क्या कमाया दुनिया की नजर, कल से किसी भी वार्ड में जो जहाँ जीते वो अपनी नजरें मिला पाएंगे कि जनता से नहीं मिला पाएंगे कि हमने जनता का वोट दिया। भैया पाते नहीं अपन, ये पहले करो पप्पू पंकज जी को बुला दे। अम्मा चलना ये चुनाव थोड़ी था भैया, इसको चुनाव बोलते हैं क्या? भाई क्या भाई बैठा बैठा सब पप्पू भैया एक बात और पप्पू भाई कहाँ हो? पप्पू भाई पूरा कंगाली पप्पू सिंह कंगाले जी ने भी जो है 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। चले गए उन्होंने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहाँ कांग्रेस जीत के आती थी, हमारे पप्पू भाई ने जो है निर्दलीय रूप में जीत कर उस बार से भी 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो भी अपने एक वोट से आने वाली थी। हमारे सम्माननीय भैया कहाँ है? 14 नंबर वार्ड के, इधर आइए आप। उत्साही जवान और समर्पित जमात कार्यकर्ताओं,
साथ में हम सब ने ये जो चुनाव का नगर परिषद का नगर परिषद बरगाज का जो चुनाव था इसको बड़ी शिद्दत से बड़े मनोयोग से बड़े प्रण और प्राण से लड़ा और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनके जो भी संबंध से संपर्क थे रिश्ते थे नाते थे और जो उनके अंदर जो भी राजनीतिक सियासी समझ थी उसका सबका इस्तेमाल करते हुए हमारा जो भी प्रत्याशी जिस भी वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहा था उसको चुनाव जिताने में हम सब ने भरसक प्रयास किया। यही कारण है कि बरघाट के 15 में से 7 वार्डों में हमारे प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीते, प्रचंड मतों से। कोई भी प्रत्याशी हमारा 2 वोट 5 वोट से चुनाव नहीं जीता। जैसे हारने में हम जो है कि 14 नंबर में गोरी भैया हैं, भाभी जी हमारी सम्मानी भाभी जी केवल 1 वोट से चुनाव हारे। वार्ड नंबर 6 में अपन केवल अशोक मंतारे जी जैसे हमारे सीधे सरल कार्यकर्ता हैं, बहुत ज्यादा राजनीतिक दांव पेच नहीं जानते हो, लेकिन चूंकि बरघाट विकास मोर्चा की एक लहर चल रही थी बरघाट में, ये जो बरघाट विकास मोर्चा है इसके साथ विकास शब्द जोड़ा हुआ है मोर्चे के साथ भैया बहुत सारे मतलब कुछ शब्दांबर नहीं है, सीधे सीधे सरल शब्द है बरघाट विकास मोर्चा। बरघाट जो पहला शब्द है उससे क्लियर है कि हम बरघाट की बात कर रहे हैं, वो मोर्चा है उसमें मतलब एक फ्रंट है हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा बरघाट का और उसमें विकास जो शब्द है तो विकास शब्द को रंजीत भाई के पिछले 5 साल के नगर परिषद के अध्यक्षीय कार्यकाल में हमने इसको विकास शब्द को जिया है और धरातल पे धरती पे जमीन में मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जमीन में उतारने का प्रयास किया है। जो सपना हम वर्षों से देखा करते थे, दशकों से देखा करते थे कि बरघाट कैसा होना चाहिए, बरघाट का नया बस स्टैंड जो है कैसा बनना चाहिए, स्टेडियम कैसा बनना चाहिए, बैल बाजार कैसा बनना चाहिए, कॉलेज वाली रोड कैसी बनना चाहिए, शमशान और कब्रिस्तान का कायाकल्प कैसा होना चाहिए, सब्जी मंडी कैसी बनना चाहिए, ये जो सपने हम देखे और बहुत सारे जो काम और भी हैं, रोडें कैसी बनना चाहिए, नालियाँ कैसी बनना चाहिए, तो सारे जो सपने हम देखा करते थे उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनको साकार करने का, उनको मूर्त रूप देने का, उनको अमली जामा पहनाने का हमको अवसर मिला। तो विकास शब्द जो है रंजीत भाई का या रंजीत भाई की टीम का विकास शब्द पर्याय बन गया है, यानी रंजीत भाई की टीम का मतलब विकास और विकास का मतलब रंजीत भाई की टीम, ये एक दूसरे के पर्याय बन गया। विकास मतलब रंजीत भाई की टीम और रंजीत भाई की टीम यानी विकास, क्योंकि विकास जो शब्द है इसको हमने पिछले 5 सालों में दिया है और जनता ने जो है विकास पे इतना यकीन इतना विश्वास इतना भरोसा व्यक्त किया कि कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा मत हमको प्राप्त हुए। वो बदकिस्मती हमारी दुर्भाग्य हमारा कि पिछली बार की तरह ये जो चुनाव है ये पार्षदों से ना होकर यदि जनता से होता तो मेरी जो इतने सालों की जो मेरा जो तजुर्बा है और जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से उसके बिना पे मैं कह सकता हूँ कि कम से कम अपन 2500 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं थी, सरकारें तय करती हैं कि चुनाव डायरेक्ट हुए इनडायरेक्ट हो पार्षद से हुए पब्लिक से हो हर बार जनता से हुआ करता था, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया कि पार्षदों से होगा। उसका भी हमने पूरी मुस्तैदी से मुकाबला किया, पूरे मुस्तैदी से उस चुनावी सिस्टम का मुकाबला किया और उसने उसका चुनावी सिस्टम का पार्षदों के चुनाव अध्यक्ष का होने वाले सिस्टम का हिस्सा बनते हुए आप सबकी बदौलत इतना बढ़िया चुनाव लड़ा कि 7 पार्षद हमारे जीत गए और 3 पार्षद जो हैं 15 वोटों के से कम अंतर से चुनाव हार गए। 7 नंबर भी जो है अपन 12-13 वोटों से चुनाव हार गए, 6 नंबर में 4 वोटों से हार गए, 14 नंबर में 1 वोट से चुनाव हार गए। नहीं तो हमारे पास 10 वार्ड हो जाते, 10 वार्ड हो जाते और ये जो परिणाम आया है हालांकि भैया ने बोले कि ये हार नहीं है जीत है, लेकिन ये भी जो है जीत हमारी और ज़्यादा शानदार होती यदि हमारे पास 10 पार्षद होते। थोड़ा सा अंतर कहीं चूक हमसे हो गई होगी, कहीं कोई हमारी कोशिशों में कमी रह गई होगी, हमारे साथियों की कोशिशों में कमी रह गई होगी, इस कारण जो है 3 वार्डों से अपन और दो वार्ड ऐसे थे जहां कि अपने नाम पे भाजपा प्रत्याशियों ने वोट मांगे और वोट ना केवल मांगे बल्कि जनता ने विश्वास की उनकी बात
का, उनके वादों का, उनकी कसमों पर विश्वास करी जनता ने, मतदाताओं ने, और उनको चूंकि ये रंजीत भाई को अध्यक्ष बनाने के लिए वोट करेंगे पार्षद बनने के बाद, क्योंकि पार्षद से अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसलिए असंत उनके को 15 नंबर से और अनिल पाठक जी को 8 नंबर से, और थोड़ा सा कहीं कहीं उपयोग गोलू ने भी 8 नंबर 9 में रंजीत भाई के नाम का उपयोग किया है कि मैं बनूंगा। तो आपकी ऊर्जा के कारण, आपके समर्पण के कारण ये सब कैसे हो पाया? रंजीत भाई छूट ले तो मुमकिन नहीं था। आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों की उसमें उस योजना में ऊर्जा शामिल हो गई, आप लोगों की मेहनत शामिल हो गई, आप लोगों का दिमाग शामिल हो गया, इस कारण ये जो है बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये 7 जगह अपन जीते, लेकिन 3 जगह अपन 15 से कम वोटों से, 12 से कम वोटों से हार गए, और कुछ प्रत्याशी केवल अपना नाम लेके, वो भाजपा का नाम लेके चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसके लिए, इन सब चीजों के लिए, इन सब उपलब्धियों के लिए, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, इसलिए नहीं है छोटी मोटी क्योंकि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, मालूम है आपको, सब लोग जानते हैं कि 130 साल से ज्यादा उम्र की पार्टी है, जिसने देश की आजादी की, जंगी आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको बरगाट में कितने पार्षद मिले? केवल 3 15 में से 3 वो एक वार्ड तो उनका यहाँ से 1 नंबर से, यदि वो एक वोट से नहीं जीतते तो कितने वार्ड हो जाते 3 में से उनके? 2 हो जाते। 4 नंबर से हमने चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो कितने वार्ड हो जाते उनके? 1 तक सीमित हो जाते। ऐसा ही जो भाजपा है, भाजपा के जो 5 वार्ड आए, तो 5 में से 2 लोगों ने सीधे सीधे हमारे नाम पे वोट मांगा। अब वो 2 वार्ड यदि घटा दो, अपने नाम का सहारा नहीं लेते, तो कितने वार्ड बचते उनके पास? 3 बचते। और वार्ड नंबर 9 पे जो है गोलू हेमंत रामराजे, उसने भी बहुत सारे मतदाताओं को बोला, हमारे भी चंद्र प्रकाश जी हैं यहाँ पर, वो बताएंगे, चंद्रकांत भाई हैं चौधरी जी, हमारे शिवराम मामा के बेटे, तो आप बताएंगे। गोलू ने कई जगह वहाँ भी 9 नंबर में जो उपयोग किया, तो भाजपा को, भाजपा के नेताओं की और वो भाजपा के झंडे और डंडे की मदद से वोट लेने में जितनी सुविधा हो रही थी, उससे ज्यादा सुविधा रंजीत भाई के नाम से हो रही थी, क्योंकि रंजीत भाई उनकी टीम के कारण, वही मैं फिर से आ रहा हूँ कि टीम के कारण ये सब मुमकिन हुआ, बिना टीम के कोई नहीं होता भैया, ये टीम वर्क है आदमी की, अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता। जैसे क्रिकेट में आप अच्छे क्रिकेटर हो तो आप अच्छे रन बना सकते हो, अच्छे बॉलर हो तो विकेट ले सकते हो, लेकिन ये जो सियासी मैदान होता है, इसकी दिशा जो होती है बहुत बड़ी होती है, और जब साथी लोग अच्छे जब तक ना हो, जब तक समर्पित ना हो, जब तक ऊर्जावान ना हो, तो कोई भी लीडर कितना भी अच्छा हो, उसको अच्छी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ये सब कामयाबी का श्रेय जो है आप लोगों को जाता है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के कितने सारे दिन से, जैसे भैया ने 3 नंबर का जिक्र किया, हमारे भाई साहब खड़े हैं और सब लोग खड़े हैं, फैजल भाई भी खड़े हैं और भी सब लोग खड़े हैं, पप्पू भाई कुमरे जी भी थे अभी सब लोग वहाँ, ये नए लड़कों की एनर्जेटिक टीम है, कितना बढ़िया, जो बड़े बड़े जमे जमाए ग्रुप थे अजगर, उन लोगों से मुकाबला करते हुए, उन लोगों से खुद को बचाते हुए, क्योंकि अजगर लोग मालूम है ना छोटे मोटे प्राणियों को निकल जाते हैं, उन लोगों से खुद को बचाए, महफूज रखे, खुद को सुरक्षित रखे, और उनको धूल चटक दिए चुनाव में। ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, 1000 से ज्यादा वोट का वार्ड है 3 नंबर, 5 नंबर में जैसे भैया ने बताया कि 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मतलब ये पप्पू भाई की जीत भी कोई साधारण जीत नहीं, पप्पू सिंगारे, जितिन सिंगारे, क्या नाम से, हमारे 2 नंबर में विधायक का गृह वार्ड है, सब जगह विधायक जाते थे तो बोलते थे कि मेरी प्रतिष्ठा दांव में लगी, हर जगह प्रतिष्ठा, 3 नंबर में भी उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी, 5 नंबर में भी उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी, 2 नंबर में भी लगी थी, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की मेहनत की बदौलत, बावर भाई को कोई मतलब ये कोई सियासी आदमी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, लीडरान मतलब उनकी लीडरान में गिनती नहीं होती है, साधारण कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बदौलत, अच्छे कार्यकर्ता थे उनकी बदौलत, उन लोगों ने पूरी जी जान से मेहनत की। और राकेश कई बार पार्षद रह चुका था, जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, आज बड़ी अहम पोस्ट में, उसको इन्होंने धूल चटाया, और 2-5 वोटों से जैसे हमारे कार्यकर्ता प्रत्याशी वार्ड के पार्षद प्रत्याशी चुनाव हार गए, ऐसे ये 2-5 वोटों से चुनाव नहीं जीते, कितने वोटों से चुनाव जीते? 42 वोटों से चुनाव जीते, अच्छा अंतर था। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ,
सारे वार्डों में जो अपन सात वार्डों में जो सफलता मिली वो सबकी मेहनत से। तो भैया ये जो अपनी टीम है और ये जो साथ है और सहयोग है इसको अपने को बनाए रखना। जैसे भैया ने बताया कि रंजीत भाई अभी आएंगे और अपन विचार करेंगे। अभी मैं चलते चलते जब रैली में चल रहे थे विजय जुलूस था ये विजय, क्योंकि तो अपन ने दो दो बड़ी पार्टियों को हटा इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी कई सालों से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे को 30 साल हो गए राजनीति और बहुत छोटी एज से राजनीति कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से। कांग्रेस और भाजपा का मिलन नहीं हुआ आज तक, कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ, कोई गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन बरघाट में आप लोगों के कारण, आप लोगों के समर्पण के कारण, आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों के त्याग और तपस्या के कारण ये जो अनहोनी घटना मैं बोलूंगा इसको, जो कभी हो नहीं सकती थी, जो कभी घट नहीं सकती, पूरे देश के लिए इतिहास में, इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ ऐसा। बीजेपी कभी कांग्रेस के साथ नहीं गई, कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ। लेकिन विधायक को आप लोगों का डर ऐसा, आप लोगों का कोप ऐसा है कि विधायक को जो है अपने तीन पार्षदों को बीजेपी को भेजना पड़ा, बीजेपी के साथ सौदा करना पड़ा आप लोगों के भय से। क्योंकि फिर आप अध्यक्ष बनोगे, फिर आपके आपके उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर आपकी प्रेसिडेंट काउंसिल बनेगी, फिर आपके अच्छे अच्छे उसमें चेयरमैन बनेंगे, फिर बरघाट में आप विकास करोगे। बरघाट की जो विकास की गाथा है, जिसकी रचना बनाने का काम हम कर रहे हैं, वो परवान चढ़ेगी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो फिर उनके लिए बोलने का कोई आधार नहीं बचेगा, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए उन्होंने तीन जो मेम्बर हैं भेज दिया, बीजेपी को भेज दिया। पहले उन्होंने कुछ और किया जनपद में, अभी तो खुला खुला काम कर लिया, सौदा कर लिया और बोल दिया कि जाओ तुम बीजेपी को वोट करो, जबकि उस पार्टी के बड़े नेता भी ऐसा नहीं चाहते, उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो आप लोगों का सबका खौफ है। बीजेपी 13 नंबर में जो अपना रिजल्ट आया, वार्ड नंबर 13 की जो परिदृश्य था, ये सिचुएशन था, आप सब नहीं देख रहे। बरघाट में संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा परिवार, संख्या उनके परिवार की जितनी है, बरघाट में किसी दूसरे परिवार की उतनी संख्या नहीं है। उनके पास लोग ऐसा बताते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई इनकम टैक्स का भी अधिकारी नहीं हूँ और मैं ऑडिटर भी नहीं हूँ और सीए भी नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हूँ। लेकिन लोग बताते हैं कि उनके पास बरघाट में पैसा भी सबसे ज़्यादा है। बावजूद इसके हमारे सामने ये खड़े हैं किरण सूर्वंशी जी, इन्होंने किस मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, खरीद लेंगे पूरे बरघाट को, खरीद लेंगे, बात करते थे खरीद लेंगे, 5,000 वोट देंगे, 5,000 आदमी को खरीद लेगा, 10,000 रुपये देंगे, कभी ये देंगे, कभी वो देंगे। लेकिन उन्होंने इतने बढ़िया से चुनाव लड़ा और उनकी टीम ने इतने अच्छे से चुनाव लड़ा। नीरज भाई को खैर अनुभव थे, लेकिन उनके साथ जो महिला मंडल था मैंने देखा बहुत अच्छे से, बारीकी से मैंने उसको मॉनिटर किया, उसको ऑब्जर्व किया, है ना, क्योंकि सब ऑब्जर्वेशन का लंबा चौड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो मैं बड़ी बारीकी से देखता था उन सब सारे लोगों को, काम करने के तरीके को, और उस तरीके के बदौलत जिस कौशल से और जिस समर्पण से उन्होंने और बड़े कूल तरीके से, कभी वो एग्रेसिव मोड में नहीं आए मैंने देखा, कभी उत्तेजना में नहीं आए, जबकि वो उत्तेजना पैदा करने की पूरी कोशिश करते रहे, भड़काने की कोशिश करते रहे, उकसाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये बहुत ठंडे दिमाग से चुनाव लड़ते रहे और जो इनका मिशन था उनको चुनाव में हराने का, खुद को जिताने का, उस मिशन से डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। जो लक्ष्य था इनका, जैसे अर्जुन को बोलते थे ना कि चिड़िया की एक आग दिखती थी, ऐसे इनको भी अपनी विजय दिखती थी, उनको पराजित करना है और खुद विजयी होना। तो वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय थी वार्ड नंबर 13 की, पूरे सिवनी जिले में उसकी चर्चा हुआ करती थी, पूरे बरघाट में सबसे बड़ी विजय, बरघाट में सबसे बड़ी विजय हुई, इलाके में भी होती थी और सिवनी जिला मुख्यालय में भी चर्चा होती थी, क्योंकि ये बड़बोला परिवार है, बहुत ज्यादा सबसे बड़ी विजय हुई है। जनबल भी है उनके पास, जनबल भी ये सब है, और उसके बाद हमारे जो नीरज भाई ने किस्त और उनकी जो खड़िया उनकी जो भारिया खड़ी है किस कुशलता से, उनको वहाँ पे वार्ड में प्रचार के लिए वार्ड नंबर 13 के जो स्थानीय मतदाता थे वो नहीं मिल रहे थे, वो उपलब्ध नहीं हो रहे। तो इनका स्नेह, इनका प्यार, इनका विश्वास मतदाताओं के साथ कितना ज्यादा प्रगाढ़ है ये उससे पता चलता है। इनका लिहाज कर रहे थे, इनका सम्मान कर रहे थे। इतने बड़े परिवार को आयातित करना पड़ता था, कार्यकर्ताओं को बाहर से बुलाना पड़ता था, दूसरे वार्डों से इनको कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ता था, और जब वो भी उसमें भी नहीं मिल पाते थे तो उनको दूसरे गाँव से किराए से हायर करके मैंने शेयर किया था। लेकिन इनके साथ सब लोकल कार्यकर्ता हुआ करते थे, वार्ड के हुआ करते थे, जो वहाँ के मतदाता हैं जिन्होंने इनको वोट दिया वो सब किराए क्या थे। तो ये बहुत बड़ी ऐसे ऐसे लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, सब सक्षम लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। तो रंजीत भाई आएंगे तो हम सब बैठ के आगे की प्लानिंग भी बनाएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, और जैसा आप सब कह रहे हैं और आप सब चाहेंगे तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे 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 नहीं वो कर दिए हैं, लेकिन अपने को शायद थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, वोट में कर दिए नहीं
कोर्ट से हो कम से कम 6 महीने लगते हैं। पर जब मतलब वो डाल ही नहीं सकते थे दोबारा से, मतलब आदेश भी है ऐसा, तो क्या वो लोग करेंगे नहीं निरस्त? तुरंत नहीं होगा, कोर्ट से ही होगा, टाइम लगेगा ना, पर हो जाएगा। हाँ, अपील अपन ने कर दी है उसके लिए पूरे सबूतों के साथ, जनता के सबूतों के साथ कि कौन यहाँ का वोटर था, कौन और कहाँ कहाँ वोटर है। कानून एक वोटर का नाम एक ही जगह हो सकता है, लेकिन मान लो उसका नाम दूसरी जगह है भी। मैं सोचती हूँ ऐसा कि अभी भी अपनी जीत निश्चित है, यदि वो कोर्ट से वो फैसला पास हो जाए। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हमारी वकीलों से बात हुई है, उसे अपनी कामयाबी मिलेगी। हम तो अपन सब मिलकर आकर्षित करें, अपन सब मिलकर विधानसभा का चुनाव सब लोगों की इच्छा है तो अपन लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत अच्छा मैसेज है, ये जो परिणाम आया है विधायक की जगहबाजी से, उनकी धोखेबाजी से, उनकी सौदेबाजी से, इससे लोग आहत हैं। गांव गांव का न केवल बल्कि गांव में भी लोग आहत हैं। बड़ी उम्मीदें थी कि जो परिणाम बहुत परेशान है, उसमें लोगों ने पानी छोड़ दिया, तो वो लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जब अपन चुनाव लड़ेंगे। और मेरा सब आप लोगों से आग्रह है कि इतने सारे लोग अपन किसी अवसर पर, विशेष अवसर पर इकट्ठे होते हैं, जोड़ते हैं, तो एक रजिस्टर है वहाँ पे अपने नाम और नंबर जरूर लिख दें कि जब कोई मौका आए, माकूल मौका आए, तो अपन उसमें जो है आप सबको याद कर सकते हैं, और नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा। दूसरे गाँव के भी लोग आए, मैंने मतलब ग्रुप तो बना हुआ।